नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंचल में। मेरा नाम ऋषि राज के हम बात करने वाले हैं बिहार सेविका सहायिका बहाली के बारे में। दोस्तों, बिहार के कुछ जिलों में आप लोगों का सेविका और सहायिका के पदों पर नई बहाली निकाली गई है, जिसमें कि आप लोगों का जो योग्यता है वो आठवीं और दसवीं पास रखा गया है। अगर आप यहाँ पे आठवीं या फिर दसवीं पास हैं तो ऐसे में आप जो है इसमें आवेदन कर पाइएगा। अब किन किन जिलों में आप लोग का जो यहाँ पे बहाली निकाला गया है, किस तरीके से आप लोग का बहाली निकाला गया है और कब से कब तक आप लोग का जो आवेदन है वो होने वाला है, आज के इस ब्लॉग में जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोग को जानकारी दे दूं कि सेविका सहायिका का जो पद होता है इसमें सिर्फ जो महिला होती है वही यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, बाकी यहाँ पे पुरुष जो है इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको जो यहाँ पे जरूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो योग्यता है वो आठवीं और दसवीं रखा गया है, तो कोई भी महिला यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। अब यहाँ पे किस प्रकार से आप लोग को आवेदन करना होगा, कब तक आप लोगों का आवेदन होगा, सब कुछ मैं आप लोग को वहां पे जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। उससे पहले अगर आपने माचिल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन दबाकर माचिल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना उसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज के वीडियो। तो सेविका सहायिका बहाली के बारे में जानने के लिए या फिर आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको जो इस वेबसाइट पे आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर गूगल में टाइप करना है YTDC, आप यहाँ पे देख पाओगे, ये आप लोगों को गूगल में टाइप करना है। सबसे पहला जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पे चले आना है। यहाँ पे आने पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट सरकारी योजना लेटेस्ट जॉब का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप अगर फोन में कर रहे हैं थोड़ा सा नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे लेटेस्ट जॉब का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों जो भी आप लोग का नया जॉब आता है, जो भी आप लोग का यहाँ पे बहाली आता है उसके बारे में आप लोग को पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख पाओ कि आप लोग का बहुत सारा बहाली यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो किसी भी बहाली के बारे में आप क्लिक करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बहुत सारा ऐसा बहाली होता है जिसके बारे में कि वीडियो बनाना संभव नहीं होता है या फिर वीडियो नहीं आता है, तो उन सभी बहाली का यहाँ पे जो आप लोगों को जानकारी है वो देखने को मिल जाएगा। सरकारी योजना में आप लोगों का जो भी नया योजना होता है उसके बारे में आप लोग को यहाँ पे जानकारी मिल जाता है। अब यहाँ पे नीचे आप देख पाओ दोस्तों, बिहार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका रिक्रूटमेंट 2022, बिहार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहाली, तो इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोग का जो पोस्ट है वो ओपन हो जाएगा। इस पोस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप इस पोस्ट पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या है, थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे मैंने आप लोग को सेविका सहायिका बहाली के बारे में पूरा जानकारी दे रखा है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप लोग का जानकारी दिया गया कि आप लोग का जो आधिकारिक सूचना यहाँ पे जारी किया गया है वो 18/6/2022 को यहाँ पे जारी किया गया है, यानी कि नोटिस आप लोग का 18 तारीख को यहाँ पे जारी किया गया है और आवेदन का जो अंतिम डेट है दोस्तों वो 28/6/2022 तक आप लोग का रखा गया है। 5 बजे तक आप लोग यहाँ पे जो आवेदन कर पाइएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिवान के लिए आप लोग का जो यहाँ पे आवेदन का डेट है वो 22/6/2022 से लेकर 6/7/2022 तक आप लोग का आवेदन होने वाला है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे 2 जिले में आप लोग का बहाली आया हुआ है, अभी आप लोग का मधेपुरा और सिवान 2 जिले में आप लोग का बहाली आया हुआ है, और भी कुछ जिलों में बहाली आया हुआ है जो कि पहले आप लोग का बहाली आया था कुछ दिन पहले, उसका भी पोस्ट आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। उस पर दोस्तों नीचे आप लोग का आवेदन प्रक्रिया बताया, उस पर दोस्तों यहाँ पे किन जिले में आप लोग का बहाली आया है तो दोनों आप देख लीजिए, मधेपुरा और सिवान में आप लोग का बहाली आया हुआ है। क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो सेविका के लिए यहाँ पे आप लोग का बताया दोस्तों कि आंगनबाड़ी सेविका के चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक अथवा समकक्ष होना चाहिए, यानी कि अगर आप सेविका के लिए आवेदन करना चाहते हो यहाँ पे मैट्रिक पास होने चाहिए। अगर सहायिका के लिए आप यहाँ पे आवेदन करना चाहते हो तो ऐसे में आप लोग का जो आठवीं पास होंगे वो यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, यानी कि आठवीं और दसवीं पास लोग यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 40 साल के लोग जो होंगे वो यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। उसको दोस्तों आपको करना क्या है, थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे आप लोग को इंपॉर्टेंट लिंक्स का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे डाउनलोड नोटिफिकेशन मधेपुरा, डाउनलोड नोटिफिकेशन सिवान, आपका जिसका भी यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है उसका क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। क्लिक हेयर पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोग का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से मधेपुरा का जो यहाँ पे नोटिस है वो आप लोगों का ओपन हो चुका है, और यहाँ पे आप लोग का इसी नोटिस के माध्यम से आप लोग का बहाली लिया जा रहा है। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो ऐसे में आप लोग का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है वहां पे जाकर आप जानकारी ले सकते हैं। उस पर दोस्तों यहाँ पे आप सिवान वाले पे क्लिक कीजिएगा तो सिवान वाला जो नोटिफिकेशन है वो कुछ इस तरीके से आप लोग का ओपन हो जाएगा। तो दोनों नोटिफिकेशन आप लोग का जारी कर दिया गया है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। सिवान वाले नोटिफिकेशन में आप लोग का पूरा जानकारी दिया गया है। हालांकि दोस्तों अगर आप मधेपुरा की बहाली के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहते हैं तो मधेपुरा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप लोग को मधेपुरा
पूरा bihar.nic.in उस पे जाकर आप यहाँ पे जो है पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, एक बार आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को पूरा जानकारी मिल जाएगा यहाँ पे कितना आप लोग को सैलरी मिलने वाला है, किस तरीके से पैसा मिलने वाला है, क्या डॉक्यूमेंट आप लोग को लगाना है। सेम आप लोग का जो भी यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, जो आप लोग का सिवान वाला में दिया हुआ है, सेम आप लोग का सारा कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगने वाला है, सब कुछ आप लोग का सेम रहने वाला है। सिर्फ आप लोग का जो आवेदन है वो आप लोग यहाँ पे जो ऑफलाइन जमा होगा और अलग अलग जगहों पे यहाँ पे जमा होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों, आप लोग का बताया गया है कि सहायिका पद पर चयन हेतु इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो संबंधित वार्ड के अस्थायी निवासी हैं, अपना आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में अनुलग्न सहित दिनांक 28/6/2022 के अपराह्न 5 बजे तक संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा कर सकते हैं। यानी दोस्तों आप लोग का जो आवेदन है वो आप लोग का बाल विकास परियोजना कार्यालय जो आप लोग का जिले में है वहीं पे जाकर आप लोग को आवेदन जमा करना होगा। तो इस तरीके से आप लोग का जानकारी दिया गया। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।